एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जब मैं अरे उदयपुर गजब, आया और हाँ एक रुको, वो कुकर में सीटी आ गई, मैं जरा बंद करके आया। लाइट चलेगी सर आपकी, बिजली बिजली गई। आज तो बहुत बड़ा गेम हो रखा है सर आपके साथ। मेरे को ये बताइए, आपके आप अपनी कॉलेज लाइफ में क्या कितने थोड़े से लड़कियों के पीछे भागते थे क्या? और स्ट्रगल शुरू हो गया था 10th क्लास के बाद से ही, बिकॉज 10th क्लास में पिताजी की इतनी इनकम नहीं थी। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित है और आज हमारे साथ है जयपाल विश्वकर्मा सर, और टीचर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज सर और मैं आपस में मिलके हम बात करेंगे आप लोगों से कि कैसे हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते थे और लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में मैं सर से डिस्कस करूंगा और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी यहां पे देने की कोशिश करूंगा। सो सर आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। गजेंद्र सर आपका धन्यवाद, आपने मुझे मंच प्रदान किया और आपको और आपके सुनने वाले, इवन मेरे सुनने वाले सभी विद्यार्थियों को भी टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी। सर नॉर्मली जो टीचर्स डे होता है ये तरह से कहने की गुरु के प्रति एक सम्मान मतलब प्रकट करने का एक दिन होता है, जिस दिन हम अपने गुरु के प्रति एक रेस्पेक्ट को प्रदर्शित करते हैं। और हम क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक तो माँ बाप का और एक गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो ये हमारा लाइक मॉडर्नाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं गुरु का थोड़ा सा सम्मान कम हुआ है, पर हाँ अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और बच्चों की लाइफ में अगर कुछ परिवर्तन ला रहे हैं तो जरूर बच्चा आपका सम्मान करता है। तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू सर? जो आपने डिस्कस किया और कहा गजेंद्र सर, मैं उससे पार्शली सहमत हूँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा गुरु का पहले सम्मान था आज भी सम्मान है जी, और जो गुरु का काम कर रहे हैं उनको सम्मान मिल रहा है जी। आप मेरी बात समझ रहे होंगे? मैं समझ गया। सही है भाई, आपके और मेरे दिमाग में या हम लोगों ने गुरु के विषय में क्या पढ़ रखा है या फिर क्या सुन रखा है भाई, गुरु वो जो अपने टीचर्स के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करता रहे, उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनके अच्छे विकास के लिए काम करता रहे। तो जो व्यक्ति करता रहता है वो दिखता भी है बच्चों को कि यार ये बंदा हमारे लिए मेहनत कर रहा है, तो रिस्पेक्ट उसके लिए अपने आप दिल से आ जाती है। मेरा एक अब आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप कॉलेज रेगुलर जाते थे और अगर जाते थे तो टीचर्स आपसे परेशान थे, या फिर अगर नहीं जाते थे तो फिर क्या करते थे कॉलेज में? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा सर, और ये एक तरह से ज्वलंत प्रश्न है क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट मेरी अनअकैडमी पे लाइव क्लास अटेंड करता है और मुझे बोलता है कि सर मैं कॉलेज भी जाता हूँ, मैं क्लास भी लेता हूँ, तो सर कैसे मैनेज कर दो? मैं उसको बोलता हूँ कि बेटा कभी सास भी बहू थी, मतलब हम भी वहां पे कॉलेज जाया करते थे और हमें पता है कि कॉलेज में किस लेवल की पढ़ाई होती है और क्या होता है। तो नॉर्मली कॉलेज में स्टूडेंट्स जो जाते हैं वो मतलब पढ़ाई तो इतनी ज्यादा नहीं हो पाती, पर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव वहां पे रहता था कि मैं कहने के कुछ ना कुछ इवेंट में पार्टिसिपेट करूं। मैं एनसीसी का कैडेट रहा हूं और मैंने पूरा सी सर्टिफिकेट किया है और बड़ा आर्मी का बड़ा था मुझे कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है। सीडीएस भी दिया और एसएसबी इंटरव्यू भी मैंने दिए, पर वो एक सर हो नहीं पाया। तो फिर ये कि हाँ मतलब कॉलेज लाइफ में इतना ज्यादा सीरियस स्टूडेंट और सिंसियर स्टूडेंट नहीं था। हाँ टीचर की नजर में रहना मेरा था कि हाँ टीचर मुझे आइडेंटिफाई करते थे कि यार ये लड़का है जो लाइक क्लास में क्वेश्चन करता है, और मतलब थोड़ा है मतलब एक अलग से आइडेंटिटी हमारी कॉलेज टाइम में हुआ करती। कि मेरे को ये बताइए आप अपनी कॉलेज लाइफ में क्या कितने थोड़े से लड़कियों के पीछे भागते थे क्या? सर इसके लिए बोलना चाहूंगा मैं, मेरा जो स्कूलिंग हुआ है ना वो लाइक बॉयज स्कूल में हुआ है, तो लड़कियों से वैसे भी बड़ा एक वो रहता था कि यार मतलब बात कैसे करें, और एक वो था कि डिस्टेंस मेंटेन करने वाला, और एक लड़कियों का ऐसा परसेप्शन था कि यार लड़का इसी टाइप का है लाइक, क्योंकि मैं जब प्रतापगढ़ में रहता था तो घर हमारा था अकेला ही रहता था क्योंकि फादर मदर सब गांव में रहते थे, मैं अकेला ही था, तो मेरे फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि मतलब डिस्टेंस मेंटेन करते थे कि यार किस टाइप का लड़का होगा क्या होगा राइट। और आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ में जो लड़कियां पढ़ती थी उनको बड़ा ताज्जुब होता है कि यार ये इतना कैसे बढ़ सकता है, ये इतना कैसे आगे जा सकता है, आज भी उनको डाउट होता है।
बड़े अंडर एस्टिमेट कर गए थे मेरे को उस टाइम पे वो, बट ठीक है, मतलब बहुत कम, मतलब लड़कियों में एक परसेप्शन मेरा इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं धीरे धीरे फिर मिलना स्टार्ट हुआ बात तक, क्योंकि एक होता है ना कि हेजिटेशन होता, तो ये रहा सर। एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जब मैं उदयपुर और रुको, वो कुकर में सीटी आ गई, मैं जरा बंद करके आया। A few moments later. Yes. कौन सी दाल बना रहे हो सर? अरे तुअर की और चने की दाल मिक्स करके बना रहा हूँ। साथ में दाल बाटी बाटी है या रोटी? सब रोटी है सर। दाल बाटी। आज क्या है कि कॉलेज के दोस्तों को बुला लिया है जो अपनी फैमिली से दूर हैं। आज मीटिंग होगी। सही कह रहे हो। लाइट चलेगी सर? आप बिजली गई। आज तो बहुत बड़ा गेम हो रखा है सर आपके साथ। कहीं भाभी जी लाइट तो नहीं काट दिए? नहीं यार, लाइट तो नहीं काटती है। मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ कि हमेशा हमारे बचपन में एक दिली तमन्ना होती है कि लाइक मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो आप क्या टीचर ही बनना चाहते थे या कुछ आपने और सोचा था? मैं सर आपको रियली बताऊं कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था जी। और मुझे तो केवल स्कूल इसलिए जाना पसंद था क्योंकि घर में मम्मी खेलने ज्यादा नहीं देती थी और पापा के कहते हैं काम में लगा देते थे, तो मैं स्कूल केवल इसलिए जाता था कि भैया कम से कम वहां दोस्तों के साथ थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा, मस्ती हो जाएगी। और वो टीचर की नजरों में सिंसियरिटी थी कि ये रोज स्कूल आता है, लेकिन मैं किसी और काम से जाता था वहां पे, और ईश्वर की कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से कह लीजिए कि दिमाग थोड़ा ठीक ठाक था, तो एक बार जो पढ़ने में आ जाता था टीचर पढ़ा देते थे वो दिमाग में बैठ भी जाता था, तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ाई में ठीक ठाक स्थिति में भी थे, इतने बुरे भी नहीं थे, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है अपने को। तो 12वीं तक तो ये नहीं मानिए सर कि कुछ नहीं सोचा था कि क्या बनना है लाइफ में, क्योंकि पता ही नहीं था भाई कि पढ़ क्यों रहे, यही नहीं पता था ना। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को नहीं पता होता है कि वो क्यों पढ़ रहा है, वो तो बस पढ़ रहा होता है। मैं भी सरकारी स्कूल का ही प्रोडक्ट हूँ सर। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, राइट, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे टीचर हैं आज जब मुझे देखते हैं और मेरे बारे में पता करते हैं तो बड़े सरप्राइज होते हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं लाइफ में इतना अच्छा कर जाऊंगा, राइट। तो लाइक आप भी अपने स्टूडेंट लाइफ में कैसे थे, मतलब ये मेरा क्वेश्चन है। एवरेज स्टूडेंट सर, भाई क्या होता है कि आपके और मेरे जैसे व्यक्ति, इवन हमारे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से सामान्यतः एवरेज स्टूडेंट ही होता है जी। कुछ एक दो एक्सेप्शनल हो सकते हैं क्योंकि उनको अपने परिवार को सपोर्ट करने के साथ साथ पढ़ना भी पड़ता है जी। और जब आप ये दोनों काम पैरेलल कर रहे होते हैं तो फिर आप पढ़ाई को उतना समय नहीं दे पाते हैं, तो चाहते हुए भी आप अगर आपका दिमाग ब्रिलियंट है लेकिन जब आप समय नहीं दे रहे हो तो आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि पढ़ाई या स्टडी या मैथमेटिक्स साइंस समय मांगती है अपने लिए, इवन हर सब्जेक्ट समय मांगता है, आप समय दोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, तो जब आप समय नहीं दे पाते हो तो नहीं हो पाता है, तो हम मजबूरी में नहीं दे पाते थे समय, तो मैं तो अपने आप को एवरेज ही मानता हूँ। सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपकी जो स्टूडेंट लाइफ थी वो कैसी थी? स्टूडेंट लाइफ नॉर्मली रही सर, ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपको बताया, जैसे अभी मैंने बताया अभी कि आपको आपके घर की स्थितियों को भी संभालना है और पढ़ाई भी करना है, तो ये दोनों काम मैं साथ में करता था, और स्ट्रगल शुरू हो गया था 10th क्लास के बाद से ही, बिकॉज 10th क्लास में पिताजी की इतनी इनकम नहीं थी, तो पिताजी ने 10th क्लास में ही कह दिया था जैसे 10th क्लास का एग्जाम हुआ कि बेटा अगर आगे पढ़ाई करनी है तुम्हें तो मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा, अब आप तुम खुद काम करो और अपना पैसा इकट्ठा करो और अपनी पढ़ाई आगे जारी रखो। कितने ऐसे प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज रहे जिनमें आपको क्या कहते हैं आपके इसी एटीट्यूड के कारण निकाला गया, मतलब मुझे बताने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सर। सर मैं आपको कहना चाहता हूँ, जयपाल सर इस बारे में कहना चाहता हूँ कि मेरा दौर थोड़ा नेचर था, वो इस टाइप का था कि मैं अपनी इमेज ऐसी बना के रखता था किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कि उनकी हिम्मत ना हो कि मुझे निकाल दे, मैं अपनी शर्तों पे काम करता था, और अपनी शर्तों पे आज भी किसी सिस्टम में अगर मैं जुड़ा हुआ हूँ तो मैं अपनी शर्तों पे काम करता हूँ, मैं कभी भी 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। जहां पर मैं अभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ और मुझे कई कमियां नजर आती है, कुछ करता है
मैं सीधा प्रवचन सुनाता तो मैं नेक्स्ट डे छोड़ दूंगा कि ये गलत है, स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और कहते भी हम उसकी तरफ से कि हम इतना काम करते हैं, हम इतना डेडिकेशन के साथ काम करते हैं कि किसी की हिम्मत ना हो कि हमें निकाल दे। हम अपनी शर्तों से काम करते हैं और अपनी शर्तों पे अपनी वैल्यू को क्रिएट करते हैं। मैं स्टूडेंट्स को एक मैसेज भी देना चाहता हूं कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप काम करें, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी इतने जबरदस्त तरीके से काम करें कि किसी की हिम्मत ना हो कि आपको निकाल दे। और आप अपनी शर्तें भी मनवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे तो लोग आपकी सुनेंगे भी सही, राइट? तो सुनते भी हैं। और जहां पर ऐसा लगता है कि यार अपनी सुनी नहीं जा रही, तो वहां पर निकल लिया जाए। चलो सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, नमस्कार।